हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी, सेशन स्टार्ट हो चुका है। एक बार सभी अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं, देखिए आज के सेशन की ओर। सभी सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, लास्ट सेशन में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, विलोम शब्द। उसमें देखिए, लास्ट सेशन में हमने अति महत्वपूर्ण पर्सन देखे थे, और आज के सेशन में देखिए, लास्ट सेशन है आज का विलोम शब्द का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि देखिए PTT, BSTC और अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए पर्सन आपके लिए लेकर आए हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, सबसे पहले कल होमवर्क में एक क्वेश्चन मिला था आपको। बहुत कम बच्चों ने देखिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प है। सभी बताइए इसका। अपकर्ष का उत्कर्ष, देखिए अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। अभिज्ञेय का क्या होता है? अभिज्ञेय का होता है अनभिज्ञेय। अनुराग का देखिए विराग होता है। सरल का क्या होता है? कठिन होता है। सम्मुख का विमुख। क्षय का देख अक्षम नहीं होता, क्षय का अक्षम नहीं होता। विज्ञेय का देखिए अविज्ञ होता है, सुविज्ञ नहीं होता। अभिज्ञ का इसमें अनभिज्ञ होगा, विज्ञ नहीं होगा। लघु का गुरु और कृत का अकृत। इसमें देखिए अनिवार्य का क्या होगा? ऐच्छिक होगा। एकाग्रचित का क्या होगा? अन्य मनसक होगा। और अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम होगा। तो ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन डी में सभी है, अनिवार्य का ऐच्छिक ये भी सही है इसका, एकाग्रचित का अन्य मनसक ये भी सही है, और अनुलोम का क्या है? प्रतिलोम ये भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कल होमवर्क में जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कुछ बच्चों ने ही दिया है देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर, सभी बच्चों ने नहीं दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर एक है, देखिए इनमें से कौन सा शब्द विख्यात का विलोम है? बताइए विख्यात का विलोम कौन सा शब्द है? ख्यात, आख्यात, कुख्यात या फिर प्रख्यात? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा चारों में से? सभी बताइए एक बार, विख्यात का विलोम शब्द क्या होगा? विख्यात का विलोम देखिए क्या होगा, बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। विख्यात का होगा देखिए कुख्यात। ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है कुख्यात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दो। इनमें से किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम है? बताइए कौन से में विलोम शब्द सही है? विलोम शब्द का जो जोड़ा है वो सही है। अब बताइए मान का सम्मान होता है क्या? मान का सम्मान नहीं होता, मान का क्या होता है? अपमान। मान का अपमान होगा। पूत का सपूत, क्या पूत का सपूत होता है? नहीं, पूत का सपूत नहीं होता, इसका क्या होगा? अपूत। पूत का होगा अपूत। एक का अनेक, ऑप्शन देखिए एक, एक का क्या होता है? अनेक। ऑप्शन तीन राइट आंसर है। परस्पर विलोम कौन सा है? ऑप्शन तीन में है एक का अनेक। इसमें बताइए जय का विलोम शब्द क्या होगा? जय का विलोम शब्द क्या होगा? पराजय। जय का विलोम शब्द होगा पराजय, विजय नहीं होगा, पराजय होगा। देखिए जय और विजय तो एक ही शब्द है, जय का विलोम शब्द पराजय होगा। जय मतलब जीत होती है और पराजय मतलब देखिए हार होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीन।
कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? बताइए चारों में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताइए सभी। साकार का निराकार ये तो सही है। देखिए साक्षर का निरक्षर लास्ट सेशन में देखा था, ये भी सही है। ज्ञानी का अज्ञानी होता है, ये भी सही है। पूर्व का अपूर्व, देखिए पूर्व का अपूर्व नहीं होता, पूर्व यानी पहले, और इसका अपूर्व नहीं होता, इसका होगा पश्चात। क्या होता है? पश्चात होता है, पश्चात यानी बाद में, पूर्व यानी पहले। ऑप्शन देखिए 4 राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म है, चारों में से बताइए विलोम शब्द युग्म कौन से में है? हिंसा का प्रतिहिंसा होगा क्या? बताइए क्या हिंसा का प्रतिहिंसा होगा क्या? हिंसा का क्या होगा? प्रतिहिंसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? अहिंसा होगा। हिंसा का होगा अहिंसा। हास का क्या होगा? परिहास। क्या हास का परिहास होता है? हास देखिए, हास मतलब होता है, इसमें देखिए हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होगा, अहिंसा होगा। हास का मतलब क्या होता है? कमी। परिहास नहीं होगा, हास का क्या होगा? वृद्धि होगा। हास का विलोम शब्द होगा वृद्धि, हास का कमी, और वृद्धि मतलब अधिक। मान का क्या होता है? सम्मान। देखिए मान का सम्मान नहीं होता, मान का अभी बताया था क्या होता है? अपमान होता है, मान का अपमान होता है। वादी का देखिए प्रतिवादी होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संधि शब्द का सही विलोम क्या है? बताइए संधि का विलोम शब्द क्या है? विग्रह है, हास, सृष्टि, व्यष्टि। तो संधि यानी, संधि देखिए जोड़ करना, विग्रह यानी अलग करना, ऑप्शन एक राइट आंसर होगा। ऑप्शन एक जिन्होंने दिया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प बताइए, इन चारों में से बताइए शुद्ध कौन से हैं? सही देखिए विलोम शब्द कौन से है बताइए। अनिवार्य का क्या अनिवार्य होता है? नहीं होता। अनिवार्य का क्या होगा? अनिवार्य का देखिए क्या होगा? वैकल्पिक होगा। अनिवार्य का वैकल्पिक होगा। एकाग्रचित का अन्य मनसक सही है, अनुलोम का प्रतिलोम ये भी सही है। अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, अभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। अनुराग का विराग सही है, सरल का कठिन ये भी सही है। इसमें सम्मुख का विमुख ये सही है, लेकिन श्रम्य का अक्षम्य नहीं होगा। इसमें देखिए विज्ञ का, देखिए ये क्या है इसमें, ये इसमें क्षम्य है, श्रम्य नहीं है, क्षम्य है, तो ये इसका राइट है। विज्ञ का अविज्ञ होगा, लघु का गुरु होगा, कृत का अकृत होगा। इसमें विज्ञ का क्या होगा? अविज्ञ होगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, सरल का कठिन, सम्मुख का विमुख, और जो सम्य है इसका क्या होगा? अक्षम्य होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? चारों में से बताइए सही विलोम युग्म किस में है? इसमें देखिए कटु, कटु का अर्थ क्या होता है? कड़वा। तो तिक्त का, तिक्त भी क्या होता है? कड़वा। तो कटु का देखिए विलोम शब्द क्या होगा? मधुर। कटु का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर होता है। विज्ञ का क्या होगा? विज्ञ का अभिज्ञ नहीं होगा, फिर क्या होगा? अविज्ञ होगा। विज्ञ का होगा अविज्ञ। उग्र का बताइए क्या होगा? उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र का देखिए व्यग्र नहीं होगा, उग्र का व्यग्र नहीं होगा, फिर क्या होगा? सौम्य होगा। उग्र का होगा सौम्य। और राग का द्वेष होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। राग का देखिए द्वेष जरूर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताइए सामिस का विलोम शब्द क्या है? निरामिस, आमिस, अमिस या फिर प्रामिस। तो सामिस का विलोम शब्द क्या है बताइए? सामिस का विलोम शब्द होगा निरामिस। ऑप्शन एक जिन्होंने दिया है देखिए उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? चारों में से बताइए कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है?
देखिए इसमें रीत का क्या होगा, अनरीत होगा, प्राचीन का अर्वाचीन होगा, लौकिक का क्या होगा, लौकिक का बताइए, लौकिक का क्या होगा, लौकिक का सांसारिक नहीं होगा, लौकिक और सांसारिक तो पर्यायवाची है आपस में, लौकिक का होगा पारलौकिक, पारलौकिक होगा लौकिक का। और स्थावर का क्या होगा फिर, स्थावर का होता है जंगम, लौकिक का सांसारिक नहीं होता, पारलौकिक होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले गाइस सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी को सेशन को लाइक करना है, और आपके जो भी फ्रेंड्स पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेशन को शेयर जरूर करना है। फिर बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक बार सभी सेशन को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वेष्टि शब्द का विलोम क्या है, बताइए वेष्टि का विलोम क्या है, दृष्टि, वृष्टि, अक्षी या फिर समष्टि, तो वेष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, वेष्टि शब्द का विलोम क्या है, समष्टि, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए किस विकल्प में सही विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं, कौन से में सही विलोम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं बताइए। ज्ञान का क्या होता है, अज्ञान होता है, संयुक्त का क्या होगा, वियुक्त होगा, चल का होगा अचल, उद्बोधन का प्रबोधन, उद्बोधन का प्रबोधन नहीं होता। देखिए उद्बोधन का अर्थ क्या होता है, चेतना, उद्बोधन का वैसे अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, तो उद्बोधन का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञान, ऑप्शन डी राइट होगा। देखिए उद्बोधन का प्रबोधन नहीं होता, क्या होता है, अज्ञान होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय आना अनिवार्य है, इसमें क्वेश्चन में देखिए अनिवार्य के नीचे अंडरलाइन है और इसमें बताना है विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय आना अनिवार्य है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का निम्न में से निकटतम विलोम होगा, बताइए अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा, आवश्यक, अब देखिए अनिवार्य का अर्थ क्या होता है, आवश्यक होता है, तो ये तो नहीं होगा, वैकल्पिक, वैकल्पिक ऑप्शन बी राइट होगा, वैकल्पिक का और क्या होता है, देखिए ऐच्छिक, एक होता है अनिवार्य रूप से करना है, एक देखिए होता है विकल्प, वैकल्पिक रूप से करना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म है, बताइए चारों में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, हिंसा का प्रतिहिंसा, हिंसा का देखिए प्रतिहिंसा नहीं होता, फिर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में देना है, हास का परिहास, हास का देखिए परिहास भी नहीं होता, हास का होगा वृद्धि, देखिए ये क्वेश्चन तो अभी देखा था, हिंसा का होता है अहिंसा, और मान का क्या होता है, अपमान, और वादी का प्रतिवादी होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से आद्र का विलोम क्या है, बताइए आद्र का विलोम क्या है, साद्र, गीला, शुष्क, गरम, आद्र का विलोम क्या होगा, आद्र का मतलब क्या होता है, गीला होता है, तो शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा होता है, ऑप्शन सी राइट होगा, आद्र का ये अर्थ होता है गीला, और शुष्क का क्या होता है, सूखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा युग्म विलोमार्थक है, यानी चारों में से बताना है कौन से में विलोम शब्द सही है, रथ का निरत, बताइए रथ का निरत होता है क्या, रथ का देखिए निरत नहीं होता, फिर क्या होता है, वीरत होता है, आधुनिक, आधुनिक और नवीन देखिए ये तो एक ही हो गए, आधुनिक का अर्थ ही क्या होता है, नवीन होता है, तो ये भी नहीं होगा, आधुनिक का नवीन तो क्या है, पर्यायवाची है, लेकिन विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन होगा, प्राचीन मतलब पुराना, आधुनिक मतलब नया, ऋजु का देखिए वक्र होगा, प्रवृत्ति का आवर्ती, प्रवृत्ति का आवर्ती नहीं होता, फिर क्या होता है,
प्रवृत्ति का होता है निवर्ती। तो ऑप्शन सी राइट होगा, रिज्जू का क्या होता है, वक्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गमन का विलोम शब्द क्या है, बताइए गमन का विलोम शब्द क्या है, गम, अगम, आगमन, नागम। तो गमन का क्या होता है, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, ऑप्शन सी राइट होगा, आगमन का होता है आना और गमन का अर्थ क्या होता है, जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गौरव का विलोम शब्द कौन सा है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, लघु, लघिमा, लाघव, लघुत्व। तो बताइए गौरव का क्या होगा, लाघव, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सरूजता का विलोम शब्द क्या है, बताइए सरूजता का विलोम शब्द क्या है, निरुजता, रुग्णता, स्वच्छता, विमलता, इसमें बताइए सरूजता का विलोम शब्द। देखिए जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है निरुजता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अनुलोम का विलोम शब्द बताइए, कई बार देखिए लास्ट सेशन में भी देखा था अनुलोम का विलोम शब्द और आज के सेशन में भी देख लिया, अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा, लोम, अवलोम, प्रतिलोम या फिर अविलोम। तो अनुलोम का विलोम शब्द क्या है, प्रतिलोम है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इप्सित शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताइए इप्सित, सबसे पहले बताइए इप्सित का अर्थ क्या होता है, इप्सित का अर्थ होता है प्रिय। अब बताइए इसका विलोम शब्द क्या होगा, कुप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित या फिर अनिप्सित। तो इप्सित का विलोम शब्द है अनिप्सित, अनिप्सित का अर्थ क्या होता है, अप्रिय होता है और इप्सित का होता है प्रिय, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा, इसमें बताइए गाइस सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा, सत्कार, सत्कार का विलोम शब्द बताइए, यानी सत्कार मतलब आदर करना, सत्कार का अर्थ क्या होता है, आदर करना होता है, अपमान होता है, तिरस्कार करना होता है, निरादर करना होता है या अनादर। तो सत्कार का क्या होगा, तिरस्कार, ऑप्शन देखिए बी राइट आंसर है। गाइस देखिए आपकी 21 मई को आपकी एग्जाम है और आपके पास अब ओनली देखिए 30 दिन आपके पास बचे हैं, 30 दिन आपके पास बचे हैं, अब 30 दिन शेष बचे हैं। तो अभी भी देखिए आप पढ़ाई इसको देखिए इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो जल्दी से देखिए अभी भी आप तैयारी कर सकते हो, 30 दिन बचे हैं, अभी भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो सभी अब देखिए तैयारी में जुट जाइए, वरना देखिए आपका नंबर कैसे आएगा फिर, 450 प्लस नंबर लाने के लिए आपको अब तो तैयारी में जुटना ही होगा। 21 मई को आपकी एग्जाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, बताइए कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, संपत्ति का विपत्ति, इष्ट का अनिष्ट, उर्वर का उसर, अचल का अविचल। तो देखिए संपत्ति का विपत्ति होता है, इष्ट का अनिष्ट होगा, उर्वर का उसर होगा, अचल का अविचल नहीं होगा, फिर क्या होगा, चल होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, अचल का चल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सदाचारी का विलोम शब्द क्या है, बताइए सदाचारी का विलोम शब्द, दुराचारी, पाखंड, दृष्ट या फिर भ्रष्टाचारी। तो सदाचारी का विलोम शब्द बताइए, सदाचारी का विलोम शब्द बताइए सभी, सदाचारी का होगा दुराचारी, ऑप्शन एक राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है देखिए, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है, सभी बताइए गणतंत्र का विलोम शब्द, लोकतंत्र, स्वतंत्र, निजतंत्र या फिर राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है,
गणतंत्र का विलोम शब्द है निज तंत्र। ऑप्शन सी राइट होगा। गणतंत्र का अर्थ होता है लोगों के लिए बनाया गया तंत्र और निज तंत्र है स्वयं के लिए बनाया गया तंत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। नकारात्मक का विलोम शब्द बताइए। नकारात्मक का विलोम शब्द होगा असकारात्मक, नकारात्मक, देखिए सकारात्मक या फिर अन्य नकारात्मक। तो ये तो सभी को पता होगा नकारात्मक का क्या होगा सकारात्मक। देखिए नेगेटिव का क्या होता है पॉजिटिव होता है, सभी को पता है ये तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विश्लेषण का विलोम शब्द, विश्लेषण का विलोम शब्द बताइए। एक तो होता है विश्लेषण और इसका विलोम शब्द क्या होता है संक्षेपण, संश्लेषण, अविश्लेषण या फिर संश्लिष्ट। तो विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा संश्लेषण होगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अथ का विलोम शब्द क्या है बताइए। अथ का विलोम शब्द अंत, इति, अर्थ या फिर अध। तो अथ का विलोम शब्द क्या है इति है, इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अथ का विलोम शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नूतन शब्द का विपरीतार्थिक शब्द क्या होगा। नूतन शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा बताइए। रूढ़, पुरातन, अनूतन या फिर नवीन। तो राइट आंसर क्या है नूतन का विपरीतार्थी शब्द। नूतन का अर्थ क्या होता है सबसे पहले बताइए। नूतन का अर्थ क्या होता है, नूतन का अर्थ होता है नया। पुरातन, देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। पुरातन, पुरातन का अर्थ क्या होता है पुराना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। उन्मूलन का विलोम क्या होगा बताइए। उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन का देखिए उन्मूलन का अर्थ क्या होता है यानी खोदना होता है अब देखिए उन्मूलन का अर्थ क्या होता है खोदना। अब इसका विलोम बताइए। उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन सी राइट होगा रोपण। रोपण मतलब रोपना, उन्मूलन का अर्थ क्या होता है खोदना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बताइए विपरीतार्थिक शब्दों का कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म सही है आर्द्र का शुष्क, देखिए आर्द्र का शुष्क इसमें बताना है आपको कौन सा युग्म सही नहीं है। तीसवें क्वेश्चन में बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं है का देखिए आपको बताना है। तो इसमें देखिए आर्द्र का शुष्क होगा। दृष्ट का क्या होगा बताइए। दृष्ट का क्या होता है विनीत होता है। अभिन्न का क्या होगा, इसमें देखिए ऋजु का वक्री होता है। और अभिज्ञ इसमें क्या है, अभिज्ञ है ना कि अभिन्न है। अभिन्न की जगह क्या है अभिज्ञ है। तो क्या अभिज्ञ का भिन्न होता है, नहीं होता। अभिज्ञ का क्या होता है भिज्ञ होता है और अनभिज्ञ होता है। देखिए अभिज्ञ का क्या होता है विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। पाप का विलोम शब्द क्या है बताइए। पाप का विलोम शब्द क्या होगा। पाप का प्रायश्चित होगा, अपाप होगा, पुण्य होगा या फिर निरअपराध होगा। तो पाप का विलोम शब्द बताइए सभी। पाप का विलोम शब्द होगा पुण्य। ऑप्शन सी राइट होगा। एक तो होता है पाप करना और देखिए दूसरा क्या होता है पुण्य करना, धर्म करना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सम्मान का विलोम शब्द क्या है। सम्मान का विलोम शब्द क्या है। एक तो होती है सम्मानता, तो सम्मान का विलोम शब्द क्या सम्मान होगा, असमान होगा, सामना होगा या फिर असमानता होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
तो सम्मान का विलोम शब्द क्या है? असम्मान। अभी यहाँ दिया हुआ होता क्वेश्चन में सम्मानता, समानता दिया हुआ होता तब देखिए समानता का विलोम शब्द असमानता होता, लेकिन इसमें है क्या? सम्मान। तो सम्मान का क्या होगा? असमान होगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इससे पहले गाइस सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी को सेशन को लाइक जरूर करना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? बताइए स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? प्रतंत्रता, प्राधीनता, परतंत्र या फिर गुलाम। स्वतंत्रता का देखिए अर्थ बताइए सबसे पहले। स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा? प्रतंत्रता। ऑप्शन देखिए एक राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए उपयोगी का विलोम। ये तो बहुत देखिए सरल क्वेश्चन है। उपयोगी, उपयोगी का अनुपयोगी, उपयोगिता, अउपयोगी या फिर अनुपयोगी। तो उपयोगी का विलोम क्या होगा? अनुपयोगी होगा। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, मूल्यवान का विलोम शब्द क्या है? बताइए मूल्यवान का विलोम शब्द, बताइए मूल्यवान का देखिए अर्थ क्या होता है? कीमती होता है। इसका विलोम शब्द बताइए, मूल्य, कीमती, अमूल्य या फिर मूल्यहीन। एक होता है मूल्यवान, एक होता है मूल्यहीन। मूल्यवान का विलोम शब्द क्या होगा? मूल्यहीन होगा। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। प्रतिघात शब्द का विलोम क्या है? बताइए प्रतिघात का विलोम शब्द क्या है? प्रतिघात का विलोम शब्द घात, आघात, प्रत्याघात या फिर घातक। तो प्रतिघात का विलोम शब्द क्या होगा? घात होगा। ऑप्शन एक राइट आंसर है। प्रतिघात का क्या होगा? घात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अति का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अति का न्यून, कम, अल्प या फिर नगण्य। तो अति का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक, और अल्प का क्या होता है? कम। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। उत्तम का सही विलोम क्या होगा? उत्तम शब्द का सही विलोम क्या होगा? उत्तम का अधम, निकृष्ट, उदार या उद्यमी। तो उत्तम का क्या होगा? अधम होगा। उत्तम का अर्थ क्या होता है? ऊंचा होता है, और अधम का अर्थ क्या होता है? नीचा। ऑप्शन देखिए एक करेक्ट आंसर होगा अधम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। साकार का विलोम निम्न में से है? बताइए साकार का विलोम शब्द क्या होगा? साकार का आकार, विकार, प्रकार या फिर निराकार। तो साकार का विलोम शब्द क्या होगा? निराकार। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन। सबल का विलोम शब्द बताइए। सबल का विलोम शब्द बताइए, बलवान, बलशाली, निर्बल या फिर बल। तो सबल का विलोम शब्द क्या होगा? सभी को देखिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है इसका। सबल का आपके लिए क्वेश्चन है, सबल का विलोम शब्द सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास होने वाली है शिक्षण अभिरुचि की 4 बजे, उसके बाद में रीजनिंग की होगी 7 बजे और राजस्थान जीके की क्लास होगी 8 बजे। देखिए गाइज आपके लिए सभी सब्जेक्ट की क्लास आपके लिए लगाई जा रही है इस चैनल पर, लॉगिन स्टडी चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लास आपके लिए लगाई जा रही है। अब आपको पढ़ाई में जुट जाना है, बहुत ही देखिए शानदार मौका है आपके पास, और अभी से आप तैयारी में लगोगे तब आपके 450 नंबर आएंगे। 450 प्लस नंबर पर ही देखिए आपको पास में कॉलेज मिलेगी, वरना देखिए बहुत दूर
कॉलेज मिलेगी, और हो सकता है कॉलेज मिले भी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है अभी देखिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा है तो एक बार सभी को सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी क्लास स्टार्ट हो उसके आधे घंटे पहले आपको आपके पास देखिए नोटिफिकेशन आ जाए। और सेशन को एंड तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।